कल भी डाला था एमएसपी के बारे में, ओआरओपी के बारे में, अब मैं फिर से डाल रहा हूँ। दोस्तों, इक्वल एमएसपी और असली ओआरओपी हमें कब मिलेगा, या मिलने का कोई उम्मीद है? दो चीज़ है, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, अगर मिलने का उम्मीद नहीं है तो कैसे मिलेगा, यह आपको सोचना है। क्योंकि अभी जहाँ तक इक्वल एमएसपी की सवाल है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में है। आप सबको मालूम है कि बहुत सारे केसेस है जो हाईकोर्ट से जो है हमारे डिफेंस वेटरन्स ने जीता है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाता है केस, वहाँ से भी जीतते हैं लेकिन फिर भी जो है उनको पैसा नहीं मिलता। एफटी में भी सेम है, एफटी में केस जीतने के बाद भी और पेनल्टी लगने के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब तीन महीने, चार महीने, सात आठ महीने के बाद उसी केस को जो है एमओडी जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं। यानी कि इनके जो मन में कोई पैसा देने का जो इच्छा है ही नहीं। हमारे जो है ना एमएसपी ओआरओपी के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे जो केसेस है जो हमारे आर्मी के जो जवानों ने जीता है, वो सारे जो रकम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक के रखा। क्यों रोका इसका कोई डिटेल्स नहीं है। जैसे मैं कल भी बताया था, आनरी नैप सूबेदारों का जो केस है कब से पेंडिंग पड़ा है, यानी कि 2017-18 से जो केस जो किया लोगों ने कोरोना के बहाने, 2019-20-21 क्या हवाला दिया, कोरोना का हवाला दिया। फिर उसके बाद जो है केस हर जगह बहुत ज़्यादा केस हो गया था, तो इसलिए जो है सारे केस को प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफ़र करवाया, और प्रिंसिपल बेंच में भी केस का सुनवाई पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जजमेंट रिजर्व्ड। लगभग 6-7 महीना हो गया, अभी तक जजमेंट नहीं सुनाया लोगों को। क्यों नहीं सुना रहे? इसका मतलब गवर्नमेंट ये नहीं चाहते कि फौजियों का पैसा, उनका जो मतलब वाजिब, मतलब उनके जो हक का पैसा, उनको देने के लिए गवर्नमेंट राजी नहीं है। और यही गवर्नमेंट है फौजियों के बारे में हर जगह बात करते हैं। मैं जब भी सिस्टम खोलता हूँ या अपनी मोबाइल खोलता हूँ तो यही मैं देखता हूँ कि ओआरओपी हमने दिया, ओआरओपी हमने दिया, ये सीना ऐसा ऐसा करके। खाली प्रधानमंत्री जी नहीं है हमारे, सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुआ, हर जगह, यहाँ तक कि जिनको ओआरओपी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई त्रिपाठी है, कोई डॉक्टर कतरा या पता नहीं क्या क्या नाम है, मेरे को नाम का तो पता नहीं है सर, चलो ठीक है नाम छोड़ो, नाम से क्या रखा है, ये लोग बात करते हैं हमने इतना दिया। दोस्तों, सबको मालूम है ये सारे मतलब हवा में तीर मार रहे हैं, सिर्फ फेंकते जा रहे हैं कि हमने इतना दिया। चलो अगर दिया है तो किसको दिया है, कहाँ दिया है, कब दिया है। आप सबको मालूम है अभी तक जो तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है बहुत लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैमिली पेंशनर जिनको ओआरओपी का, तो ओआरओपी छोड़ो, 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिनको 631 का। दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है 568 के बारे में डालते जा रहे हैं, इतना 2 लाख 3 लाख,
लोगों को कंफ्यूज करके वो है ना, पता नहीं एक पाठशाला है, कौन सा पाठशाला, सैनिक कुछ या सैनिक के नाम से कोई चैनल है। दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय। 568 इतना पैसा, इतना पैसा, अरे 568 में किसको क्या मिलना है ये तो सबको मालूम है। और 568 99.9% तो लोगों को मिल गया, अब उसके बारे में इतना मिलेगा, 26,000, 19,000, 2,00,000, 3,00,000, अरे ऐसे डाल के है ना, फिर लोग फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं, सर मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। यहाँ तक कि ऑनलाइन ऐप सुविधा को भी, ऑनलाइन ऐप सुविधा फ़ोन करते हैं जिनको मतलब हवलदार के हिसाब से जो है 568 दिया गया। दोस्तों ऐसे है ना, हमारे बीच में रूमर्स यानी कि अफवाह फैलाने वाले बहुत हैं, और इनके जो चैनल है ना, इनके जो चैनल देखने वाले कितने, बस एक घंटे के अंदर 3,000-2,000 व्यूज, अरे इतने मतलब हम क्या कमज़ोर हैं? कमज़ोरों के साथ रख के हम कभी लड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई अरियर मिस हुआ तो कौन सा अरियर मिस हुआ, ये सबसे पहले ये पता करना आपका काम है। ऐसे नालायक वीडियो बनाने वाले के पीछे मत भागो। कल एक वीडियो 570 डाल रहा, अरे 570 तो सेवंथ पे कमीशन का है। फिर लास्ट में वो अपना ट्विस्ट कर रहा कि डीआर के साथ इतना है, इसके साथ इतना है, यानी कि 15 मिनट का जो वीडियो में हर एक का अरियस बता रहा है, इतना 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 करके, फिर लास्ट 3 मिनट का वीडियो में ये बता रहा कि आपका जो है बेसिक इतना है, डीआर इतना है, ये सब मिला के इतना है, बाकी आपको जो है कैलकुलेट कर लो आप खुद ही। और देखने वाले कितने हैं, हजारों में। दोस्तों ये आज का टॉपिक में हम आते हैं, वार ओपी, असली वार ओपी जो है गवर्नमेंट दे नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। कहीं भी आप बुलाओ मैं लिख के देता हूँ, कभी भी असली वार ओपी गवर्नमेंट दे नहीं सकता, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। और जहाँ तक इक्वल एमएसपी है, गवर्नमेंट अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है सर्विंग वालों को देना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोगों को मिलेगा। और इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट हो या सुप्रीम हाईकोर्ट हो, दोनों दखल नहीं देंगे, सब चलता रहेगा, तारीख तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, और ये भी मज़े मारते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। और एक कचरा सवाल वाला है, वो बस वो लोगों को बुलाएगा, है वार ओपी एमएसपी, इसके बारे में वीडियो डालता रहेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा। लेकिन सच्चाई सुनने के लिए धैर्य रखो, जब तक एकजुट होके आंदोलन में भाग नहीं लोगे, जब तक एकजुट होके पूरे के पूरे जो हमारे फौजियों का, फौजी कम्युनिटी पूरे इंडिया का, सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे इंडिया का एक आवाज़ उठाना चाहिए, एक ही आवाज़ कि हमें अपना हक लेना है। अगर जब तक आप अपना आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक आपको जो है ना असली वार ओपी मिलेगा, चलो नकली वार ओपी भी नहीं मिलेगा। वार ओपी 3 में लोग सोचते हैं कि जैसे उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी नया जेसियोस है ना, 2023 के बाद, 2019 के बाद जो जेसियो है ना, उनको मिलेगा। लेकिन 19 से पहले जितने भी जो भी वॉर ओपी 2 में ले रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ जेसियोस को 200-300 का फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों ये याद रख लेना, क्योंकि आज कितना मिल रहा है, आज एक सूबेदार 2022 में जो रिटायर हुआ दिसंबर में, उसको 30,100 मिला। अभी गवर्नमेंट ने 19,100 दिया है 28 साल वालों का। अगर आपको अगर मिलेगा तो इतना ही जो एवरेज में 500-600 मिलेगा एक जेसीओ को जो 2019 के बाद रिटायर हुआ। आप सभी याद रख लेना इस बात को, फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमने नहीं कहा। और थर्ड वॉर ओपी का कोई मतलब चांस नहीं है,
सिपाही नायक हवलदार तक जो है 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक मिलेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग जो घर घर से नहीं निकलते हैं ना, 90% जो पीड़ित कौन है, जेसीओस है ना, वो घर में बैठे रहेंगे या नहीं तो किसी और संगठन के जो है ना प्रधान बन के पकौड़ा खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, लेकिन आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जो आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो आप समझ लो कि सबको वो पीछे लेके जाएगा। दोस्तों, जंतर मंतर में जो बैठे हैं वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, इनको सब कुछ मालूम है कि हमारा हक ना कोर्ट से मिलेगा ना AFT से मिलेगा, हमारा हक मिलेगा आंदोलन की वजह से मिलेगा। अगर ये बात आपके दिमाग में, अगर अच्छी तरह आप अपनी भेजे में ना इस बात को डाल दो, बहुत लोग कहेंगे कि आपके साथ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अरे होना क्या, कुछ नहीं है, अगर होगा तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, इस तरह सोचते रहेंगे तो आप कब तक आप मतलब जुल्म सहते रहोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो नारा जो है ना, आप हमेशा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये अभी जो जंतर मंतर का जो जिस तरह आंदोलन चल रहा है, ये किसी ने आज तक करके नहीं दिखाया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे संगठन, कुछ लोग जो है प्रैक्टिकली जंतर मंतर आके सपोर्ट करते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग जो दूर में हैं वो बाकी अपनी मॉरल सपोर्ट या किस कैसे भी हो सपोर्ट करते हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास आप लोग जो है घर में बैठ के पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा। आगे आ जाओ, ये मत सोचना कि उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी आर या पार, दैट्स ऑल, आर या पार। अगर आपकी बार अगर हम हार गए तो आप समझ लो और 2000 वो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ना 2029 तक, मैं बता रहा हूँ अभी 2047 तक आप ऐसे रहोगे, 2047 तक आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग तो जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए मैं ठाट से बोलता हूँ 2047। जितने भी अभी आंदोलन कर रहे हैं ना वो उतना दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अभी भी टाइम है, मौका है, घर से बाहर निकलो और सोच लो क्या करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद।